नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल RK एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको SSC GD परीक्षा 2023 में जो 10 जनवरी से आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, आपको सेंटर पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, परीक्षा केंद्र पे क्या क्या लेके जाना है और फ़ोटो कितनी लेके जाना है और ID प्रूफ में क्या लेके जाना है, आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊँगा दोस्त कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने एग्ज़ाम सेंटर पर लेके जाना है और आपको क्या क्या कौन कौन से नियम है जो फॉलो करना है। आज की इस वीडियो में आपको कन्फर्म पता चल जाएगा दोस्त। अगर आप फर्स्ट बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं दोस्त ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा हमारे तरफ से। तो चलिए दोस्तों, दोस्त देखिए, सर्वप्रथम आप जब सेंटर पे एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे तो अगर आपके पास बैग है तो बैग वहाँ पर जमा हो जाती है। जो बैग आप लेके जाएंगे, बैग हो गया और जो भी आप लेके जाते हैं तो वहाँ जमा हो जाती है और उसके लिए आपको 20 रुपये पे करना पड़ता है। वहाँ जो है वहाँ अलग से रूम होता है, वहाँ पर आपका जमा कर लिया जाएगा। उसके बाद परीक्षा केंद्र पर जो है यही होता है। और जैसे आप फ़ोटो कितनी लेके जाना है, तो फ़ोटो आपको 2 फ़ोटो लेके जाना है, कोई भी फ़ोटो हो, पासपोर्ट साइज होनी चाहिए, आपको जो है फ़ोटो 2 लेके जाना है। और ID प्रूफ में कोई भी ID हो, जैसे आधार कार्ड, वाटर कार्ड, वाटर ID हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इतने ही डॉक्यूमेंट में से अगर आपका कोई भी ID कार्ड है तो आप इन्हें लेके जाइए दोस्त। और जैसे आपका आधार नाम कोई चेंज है और एडमिट कार्ड में कोई चेंज हुआ है, आधार कार्ड में और एडमिट कार्ड में कोई चेंज हुआ है, तो आप 10 की मार्कशीट भी लेके वहाँ पर जा सकते हो। जैसे आपके फार्म में कोई गलती है दोस्त, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके फार्म में बहुत सारा गलती था, तो अपना वो आधार कार्ड, वोटर ID और आप 10 की मार्कशीट लेके जाइए वहाँ पर, तो आपका 100% आपका जो है आपको अंदर जाने दिया जाएगा। उसके बाद इसके आपको 2 फ़ोटो लेके जाना है, आपको पेन नहीं लेके जाना है दोस्त। पेन आपको वहाँ अंदर आपको मिलेगा, आप सिस्टम पे जब जाओगे तो वहाँ पर आपको पेन मिलेगा और आपको रफ़ करने के लिए एक पेज भी मिलेगा। तो आपका आपको इन सभी को जो है फॉलो करना है और आपको 2 फ़ोटो और आधार कार्ड, वाटर ID कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, इन कोई भी ID है इनमें से, तो आपको इन्हीं को लेके जाना है। और आपको बोतल ले जा सकते हो, वाइट कलर की बोतल होनी चाहिए, अगर आप ले जाना चाहें तो आप ले जा सकते हैं। और आपको मास्क जो है लगा के जाना दोस्त, नहीं तो कभी कभी जो है एग्ज़ाम, क्योंकि दोस्त कोरोना का थोड़ा कोविड फिर आ गया है, तो इसके लिए आप मास्क ज़रूरी है, मास्क लेके जाना है। उसके बाद कोविड डिक्लेरेशन एक फार्म होता है, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे दोस्त तो उसी के नीचे होगा, तो आप उसे भी प्रिंट करवा के उसे लिख के लेके जाना है, नहीं तो पता लगा आपको वहाँ पर अंदर ना जाने दिया जाए तो यहाँ कोई होता नहीं है, वहाँ देखते हैं बस खाली, तो अगर आप ले जाते हैं तो लेके जाना है दोस्त। और आपका जो है एडमिट कार्ड है, आपको एडमिट कार्ड 2 फ़ोटो यही आपको लेके जाना है, और ID कार्ड आपको आधार कार्ड, वाटर कार्ड में जो भी हो, आप अपना ID कार्ड, एडमिट कार्ड और 2 फ़ोटो, इतना आपको लेके जाना है। और आपको पिन मिलेगा, अगर आपने घड़ी लगाया है, आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको अंदर ले जाने नहीं दिया जाएगा, आप घड़ी पहने हैं तो उसको भी निकाल के जाइए दोस्त, बेल्ट आपको नहीं लगाना है, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आप अंदर नहीं ले जा सकते। तो आज के वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि दोस्त जितने भी नए स्टूडेंट हैं, जो नए स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे, तो उनको बहुत सारा डाउट होता है कि एग्ज़ाम में क्या क्या होता है और क्या लेके जाना है, इन सभी बहुत सारा डाउट होता है, तो उन्हें सेम नियम को फॉलो करना है और इतने ही डॉक्यूमेंट लगेंगे और आपको खुद इतना ही तैयारी करना है। उसके बाद आपको कोई एग्जाम सेंटर से बाहर नहीं करेगा दोस्त, आपका एग्जाम, आपको एग्जाम देने दिया जाएगा। तो अगर आपने एग्ज़ाम, जैसे आपने कंप्यूटर अभी तक चलाया नहीं है, तो उसके लिए हमने वीडियो बना दिया है, आप उसे देख सकते हो। तो थैंक यू दोस्त आज की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल पर